हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ऋतुजा देसाई। सो जो पिछली बार का वीडियो बना था वो बहुत गड़बड़ी में बना था। पूरा दिन मेरा डॉक्यूमेंटेशन में चला गया था, तो इतना अच्छे से बताने को भी नहीं मिला था, तो इसीलिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं जो जो मैं हमारे वहाँ पे प्रोसीजर हुई वो थोड़ी डिटेल में बताऊँगी, और उसके बाद में जो वीडियो आएगा उसको मतलब वो वीडियो मैं बनाऊंगी जो मैंने मुझे ईमेल आया, फिर मेरा मेडिकल हुआ, फिर मैं यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आ गई, तो उसके ऊपर मैं सारा वो वीडियो बनाऊंगी। तो फ़िलहाल मैं इंडिगो के ट्रेनिंग के लिए हूँ। दिल्ली में हमारा ट्रेनिंग चल रहा है, तो उस दिन हम गए होटल में, हमारा डॉक्यूमेंटेशन हुआ। तो ये इतना बड़ा फाइल लेके मैं गई थी क्योंकि इस फाइल में मैंने सब कुछ रखा है, ठीक है। इसमें जो भी हमारे जो भी मार्क लिस्ट होते हैं, ठीक है, तो ये सभी आपको ऐसे फाइल करके एक फ़ाइल में रखना है, ताकि आप वो फाइल जब भी आपको कुछ भी लगे, क्योंकि इस फाइल में से आपको कुछ भी लग सकता है, तब डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको सब कुछ चाहिए होता है, ठीक है। तो एक फ़ाइल बना के रखना जिसमें आपके सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जो मैंने डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर लिंक बनाई है, जो वीडियो बनाया है पूरा, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उसके बाद में जो मैंने बताया कि हम लोगों ने वहाँ पे वेट किया, एक एक का हो रहा था डॉक्यूमेंटेशन, तो उस वक्त हम लोगों को ऐसे बताया गया कि HDFC का और दो तीन बैंक के नाम बताए गए थे, सिटी बैंक में जिनका अकाउंट है तो उनके अकाउंट चलते थे, सैलरी अकाउंट, तो उन्होंने जिनके थे उनके वो डॉक्यूमेंट्स ले लिए, और जो भी हम लोग नए थे तो उनके अकाउंट वहाँ पे ओपन किए गए। HDFC के तरफ से जो भी लोग थे वो वहाँ पे आए थे, और फिर उन्होंने हमारे अकाउंट भी क्रिएट कर लिए। और अकाउंट क्रिएट करने के बाद उन्होंने हमें ऐसे ये दे दिया जिसमें सब कुछ है, पासबुक है और डेबिट कार्ड है, सब कुछ है। तो ये HDFC का उन्होंने हमें अकाउंट भी ओपन करके दे दिया वहाँ पे। फिर हमारी ये प्रोसीजर हो गई। उसके बाद में हम सब लोगों को एक किट दिया गया जिसमें हम खुद की इंफॉर्मेशन फ़िलअप करनी थी, फैमिली मेम्बर्स की इंफॉर्मेशन, खुद की इंफॉर्मेशन, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, ऐसे एक छोटी सी बुक थी, तो वो हमें फ़िलअप करनी थी, तो वो सारी बुक हम लोगों ने फ़िलअप की। उसके बाद में देखो, हमें मैंने जो बताया था, ये हमें पेन दिया गया जिसमें इंडिगो लिखा है। उसके बाद हमें ऐसे ऐसे लैनियार्ड दिया गया। उसके बाद में नोटबुक भी दिया, और फिर हमें ऐसे दिया रेडी टू टेक ऑफ। यू कैन सी हियर, ये एक छोटी सी फाइल जैसा ही है, ये भी मैं दिखाती हूँ, ऐसा फाइल जैसे ये फोल्डर है। तो ये हमें वहाँ पे दिया गया फर्स्ट डे पे। फिर हमें ये बैच दिया गया गर्ल पावर का, और उसके बाद में फॉरएवर 60 का जो ब्रेसलेट है वो भी दिया गया, और बस इतना ही। तो हम सब ने डॉक्यूमेंटेशन किया। फिर हमें दूसरे दिन का जो भी हमारा शेड्यूल था, तो वो शेड्यूल भी हमें नाइट को मैसेज में आया कि आपको इस टाइम पे आईफ्लाई में, जो कि इंडिगो का ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है। फिर हम लोगों ने रिपोर्ट करा, और फिर मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। तो जो भी पूरी ट्रेनिंग की इंफॉर्मेशन है वो मैं अगले वीडियो में बताऊँगी। तब तक जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है अच्छे से बना के रखना, क्योंकि अगर आपका एक भी डॉक्यूमेंट्स उस दिन नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों का ऐसे प्रॉब्लम हो गया था कि उन्होंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था पर उनका पासपोर्ट था नहीं उनके पास, जो वो जो एक क्या बोलते हैं, वो जो एक होता है ना नंबर कि आपने अप्लाई किया होता है, वो नंबर था उनके पास, पर उनके पास वो जो पासपोर्ट था वो नहीं था, ठीक है। तो जब हम ट्रेनिंग पे आते हैं, मैं जो ये ट्रेनिंग पे वो बोल रही हूँ, तो ट्रेनिंग की भी मैं पूरी डिटेल प्रोसीजर बताऊँगी, अकोमोडेशन कैसे होता है, फूड, ट्रैवलिंग, सब नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा बनेगा। तो जैसे कि मैं बता रही थी, तो बहुत लोगों का पासपोर्ट उनके हाथ में नहीं था, बल्कि उन्होंने बस अप्लाई किया था, तो ऐसा नहीं चाहिए। आपको पासपोर्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो AEP बनता है, क्योंकि ट्रेनिंग का जो पीरियड होता है उसमें भी हम लोगों को एयरपोर्ट विज़िट के लिए लेके जाते हैं। अभी मेरा ट्रेनिंग दिल्ली में है, तो मुझे दिल्ली एयरपोर्ट पे लेके जाएंगे विज़िट के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे AEP बनता है, तो उसके लिए आपका पासपोर्ट होना ज़रूरी है। और अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है, ठीक है, आपने अप्लाई कर दिया है पर पासपोर्ट नहीं आया है, तो कोई बात नहीं, जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है वो आप उधर से ही करके ले जाना, ताकि उधर आपकी फिर गड़बड़ ना हो जाए, ठीक
ठीक है, तो या तो पासपोर्ट या तो पुलिस वेरिफिकेशन आपको लगता ही है, तो ये बस ये चीज़ याद रखना और सभी डॉक्यूमेंट्स अच्छे से रखना। तो जो भी ट्रेनिंग का, अभी ट्रेनिंग तो मेरा चल रहा है, तो जैसे जैसे होता जाएगा मैं वीडियो बनाते जाऊंगी, और अभी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी जैसे मुझे मेल आया वगैरह, तो वो वाला। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक द इन्फॉर्मेशन देन प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।